देखिए, सलमान को जो जेल हुई है वो कानून के तहत हुई है, पर कुछ उसके जो फैन है ना, बहुत हर्ट भी हुआ उसका लेकर के। सज़ा तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, अगर होनी थी तो। आज लोग इतने परेशान हैं कि उनके ऊपर इतने दांव लगा हुआ है फिल्म का। ईद पे एक फिल्म आने वाली थी उनकी, रेस 3, बट इतनी देर में क्यों कानून जागा? अगर ये सब देना था तो पहले ही दे देना चाहिए था। आज इतना टाइम हो गया, लोग भूल चुके थे, सलमान खुद भूल चुके थे कि उन्होंने क्या गुनाह किया क्या नहीं किया, और कानून को हक है सज़ा देने का, पर इतना देर में जब उनका कैरियर बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है। तो मैं तो कानून से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बारे में अभी थोड़ा सोचे। हर चीज़ का अभी भी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि सज़ा दे दी तो सज़ा हो गई। उनका भविष्य उनका अकेले का नहीं है, उनका उनके ऊपर हज़ारों लोगों का भविष्य टिका हुआ है। एक कैमरामैन, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक छोटे छोटे जो स्पॉट बॉय होते हैं ना, उनका भी भविष्य टिका हुआ है। अच्छे काम तो है ही है, अच्छे काम उन्होंने क्या एक चलाते हैं जो अपनी कंपनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बीइंग ह्यूमन वो जो चलाते हैं उस पर भी एक अच्छा काम है। पर इंसान तो कहीं ना कहीं से अच्छा है, वो तो मुझे पता है कि बहुत अच्छा इंसान है। जेल तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, केस चलना चाहिए, जेल नहीं होनी चाहिए। जेल होने का समय उनका निकल गया। जेल उस टाइम होनी चाहिए थी जब उनको सज़ा के लिए बुलाया गया था, आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले की बात अब आ रही है, वो तो मुझे भी नहीं लगता, दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छी तरह से तभी उनको समझना चाहिए था कि केस क्या है। 20 साल बाद समझने के लिए तो 20 समय पहले ही 20 साल पहले ही निकल गया वक्त। थैंक यू। मैं मुझे बहुत हर्ट हुआ है एक्चुअली। मैंने न्यूज़ में देखा, अपने लैपटॉप में देखा, फ़ोन में देखा, मतलब मैं यही सोच रही थी। पहले तो मैं बहुत शॉक थी कि सलमान को सज़ा हो गई 5 साल की। मैं ये सोच रही थी कि जो गुनाह इतने टाइम पहले हुए हैं उनकी सज़ा अब क्यों मिल रही है, और वो भी 5 साल की सज़ा, जबकि वो अपने उस मोड़ पे हैं, जबकि सलमान ने उसके बाद बहुत अच्छे काम भी किए हैं, सबको कितना हेल्प किया है, कितना सपोर्ट किया है, उसके कितने फैंस हैं, और मतलब अब इस मोड़ पे आके उसको सज़ा मिलने जा रही है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी है उस चीज़ से, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसकी सज़ा जितनी कम हो सकती है उतनी कम हो जाए। तो मैं तो तहे दिल से यही रिक्वेस्ट करूँगी और गॉड से यही प्रार्थना करूँगी कि सलमान को कम से कम सज़ा मिले, जितना कम हो सकता है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, बीइंग ह्यूमन का सलमान खान ने स्टार्ट किया हुआ है, और भी हाँ, कैंसर सबको वो हेल्प करता है, कितने बच्चों को हेल्प करता है, इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों को हेल्प करता है, कितने लोग उसके थ्रू काम कर रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब वो इतना हेल्पफुल है। गलती इंसान से ही होती है, अगर उनसे गलती हुई है उसके बदले में उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, तो बस मैं यही बोलूँगी कि उनकी सज़ा कम से कम की जाए, जितनी कम हो सके उतनी कम की जाए। थैंक यू सो मच। नहीं, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, 3 साल हो जाते हैं सेशन कोर्ट पे जा सकते हैं। नहीं, आखिरकार ये जो हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, ये कानून को मैं समझती हूँ कि गलत किया है इन्होंने इनके साथ। सलमान खान कोई हमारे देश का हीरो ही नहीं है, वो समाज को बहुत, उनके वजह से समाज को टैक्स भी बहुत मिलती है, 100-100 करोड़ की दर्द फिल्में वो कर रहे हैं, जिससे हमारे देश को बहुत ही लाभ हो रहा है, पब्लिक भी उनसे खुश है, उनके काम को देख करके, उनके नाम को देख करके। उन्होंने अपनी सज़ा पहले भी बहुत काट चुकी है, अपने गुनाहों की सज़ा, अगर उसको फिर से अगर सज़ा दी गई है तो मैं समझती हूँ देश के पब्लिक के लिए बहुत ही हानिकारक है। जो उनको है ना, कानून अपना काम करती है मैं मानती हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ उन्होंने देश को दिया है, और अभी ये जो इस सज़ा की वजह से 1000-100 करोड़ की जो उन्होंने फिल्में बना रखी है या किसी की साइन कर रखी है, उनका क्या होगा? जो उनको साइन कर रखा है 5 साल में, उनकी आधी ज़िंदगी तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर वो क्या हीरो के रोल करेंगे, और देश को क्या हम संदेश दे सकते हैं एक अच्छे इंसान के साथ? जो आज उन्होंने जो कुछ भी समाज में दिया है और समाज के लिए किया है, अनाथ बच्चों के लिए करते हैं, कई NGO चलाते हैं, उनकी वजह से कितनों की घर चलती हैं, ये सब उनकी वजह से बेमौत मारे जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि कोर्ट से मैं गुजारिश करूँगी कि जितना हो सके उन्हें अब माफ़ी मिलना चाहिए, और उनको जो है ना, जो भी उनसे जुर्माना होता है वो जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप?
क्या कहना चाहेंगे मैडम, सलमान खान जी को आज 5 साल की सजा हो गई है, क्या लगता है आपको सही फैसला सुनाया जोधपुर कोर्ट ने? अच्छा, ये जोधपुर कोर्ट की तरफ से हो गया है तो देखिए, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट खुला है जी। अगर उन्हें लगता है कि वो बेकसूर हैं या उन्होंने इतना बड़ा पाप नहीं किया जिसके लिए 5 साल की सज़ा हो, तो सुप्रीम कोर्ट खुला है और वो दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगी, मैं मेरा दिल्ली 10 साल रही, इंटरव्यू करती फिर हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मेरा कहना है कि संत कबीर ने कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे दुख उपजे आप ठगे सुख हो। अगर आप दूसरे के कष्ट का एहसास करेंगे तो फिर दुख नहीं हो, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। कष्ट दिया है तो थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट वैसे खुला है, वो जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, उन्होंने मारा है तो छाती ठोक के स्वीकार करें। दबंग उनकी फिल्म देख के नौजवान खुश होते हैं। सलमान के लिए अगर बात करें तो सलमान जी ने, जैसे कि सब जानते हैं कि उन्होंने अच्छी चीज़ें तो बहुत की हैं, अगर उन्होंने उनसे दो गलती हुई हैं तो उसे इतना ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए हाईलाइट किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसे भी देखा जाए और सिर्फ उसी चीज़ को लेके पूरी लाइफ। ऐसे बहुत से लोग ऑब्वियसली पड़े हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं, हम उनके पीछे कभी कुछ, कभी हमारी जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कभी कुछ पता नहीं करती, और सिर्फ सलमान के ऊपर ही क्योंकि वो ऑलरेडी इतना हाईलाइट है तो उसी के पीछे सब पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो मर्डर करके भाग, हाँ हाँ ऑब्वियसली रेप मर्डर्स रॉबरी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा है हमारे इंडिया में। हाँ यस यस, कहीं ना कहीं आपको लगता है जोधपुर कोर्ट ने जो फैसला सुना है काफ़ी लेट सुना है सलमान खान के ऊपर? लेट और जल्दी का तो नहीं बोल सकते, बट मुझे लगता है कि उससे सज़ा नहीं होनी चाहिए। 20 साल हो चुके इस केस को, 1998 में जो केस हुआ था बाकी तबू और इन लोग को बरी कर दिया, तो आपको क्यों लगता है सलमान के साथ नाइंसाफी हो रही है जो उनको आके? हाँ यस, एवरीबडी नोज कि ये गलत है, हाँ हाँ स्टार है, उसके ब्रांड चलते हैं, वो चैरिटी करता है, उसके बहुत सारे चीज़ें और हैं, तो मुझे लगता है कि उस उनके लिए इतना ज़्यादा उसे हाईलाइट नहीं